नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स के हर प्रकार की अपडेटेड जानकारियाँ मिलती रहती हैं लगातार। अभी जो एक नोटिफिकेशन आ गया है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो NSIIS इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो स्पोर्ट्स कोचिंग का डिप्लोमा होता है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आ गया है। एडमिशन फॉर सेशन 2021, उसकी डिटेल में जानकारी आपको पूरी देंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस गेम की कितनी सीटें हैं, किस सेंटर में कितनी सीटें हैं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले बोल दूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लगातार इसी प्रकार की अपडेट आप चाहते हैं आप तक आती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ये जो आपका डिटेल में डिस्कशन करें, एडमिशन टू डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग सेशन 2021, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ओपन होंगे आपके, इस बार जो एक अलग से NSIIS ने पहल की है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करने की, इससे पहले आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होता था और लास्ट डेट आपकी इसकी रहेगी 9/7/2020 से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इस साइट से डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं और ईमेल आईडी ये यहाँ पे दी गई है। अब बात करें डिटेल में डिस्कशन की, जो है बताएं आपको वेबसाइट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, वेबसाइट यही रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, NSIIS स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग एकेडमिक सेशन 2021 के लिए, अगर आप चाहते हो अप्लाई करना, अगर आप एलिजिबल हो कोच बनने के लिए, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा इस बार, एलिजिबल कैंडिडेट डिजायरस टू सीक एडमिशन टू डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग शुड अप्लाई ऑनलाइन बिफोर लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन, लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाई देम, और आपको जो एडमिशन के लिए कॉल किया जाएगा वो उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे किया जाएगा जो आप वहाँ पे सबमिटेड करोगे, वो चेक किया जाएगा आप एलिजिबल हो या नहीं। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी पोजेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव एकेडमिक सेंटर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, और आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा तो वहाँ पर आपको जमा करवाने हैं। द कैंडिडेट शुड इंडिकेट प्रीफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू साई एकेडमिक सेंटर टू द विच दे आर डिजोरियस टू टेकिंग एडमिशन बाई फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको अपनी प्रेफरेंस उस सेंटर की फिल करनी है वहाँ पे जिस सेंटर में आप एडमिशन चाहते हो। और अब बताएं कि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सेंटर एंड कोर्स सीट वैकेंसीज कितनी हैं। अगर हम बात करें NSIIS पटियाला की तो वहाँ पे एथलेटिक्स की 25 सीटें हैं, अगर बेंगलोर की हम बात करें तो एथलेटिक्स की यहाँ पे भी आपकी जो है 25 सीटें, और कलकत्ता में जो एथलेटिक्स की है वो 25 सीटें, और आपकी जो है त्रिवेंद्रपुरम में जो एक स्पेशल जो आपका कोचिंग का डिप्लोमा होता है, जो वहाँ पे जो भी वाटर से संबंधित गेम्स होते हैं उनका जो डिप्लोमा होता है वो रोइंग कनोइंग कैकाइंग, ये सारे 25 सीटें वहाँ पे। इसके अलावा बॉक्सिंग की हम बात करें तो आपकी यहाँ पे 50 सीटें हैं आपकी पटियाला में। बैडमिंटन की हम बात करें अगर तो यहाँ पे आपकी बेंगलोर में 20 सीटें हैं और आर्चरी की कलकत्ता में 30 सीटें हैं। तो आप अपना इवेंट यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप जिस भी इवेंट में, तो आपको पता चल जाएगा किस गेम की कितनी सीटें हैं। और यहाँ पे हम टोटल की बात करें तो 335 सीटें आपकी यहाँ पे हैं टोटल आपकी पटियाला में। और यहाँ पे जो मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पे जो हमारा है बेंगलोर, वहाँ पे 240 सीटें हैं, इस बार सीटें बढ़ाई गई हैं, कलकत्ता में 125 और त्रिवेंद्रपुरम में आपकी 25 सीटें जो हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आपका रहेगा, स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपकी जो है अगर 10+2 बेस पे आप करते हो तो रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स, वोन मेडल्स एट सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसके अलावा वोन मेडल्स इन एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर 2+ के बेस पे आप एडमिशन चाहते हो तो। और बाद में जो है छूट उसके अकॉर्डिंग मिल जाती है अपर उसके अकॉर्डिंग। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिर से यहाँ पे कैटेगरी फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हो तो 10+2, आप पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और यूथ गेम्स भी आपका यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे और जो अच्छी जो कुछ एक बातें दी गई हैं, ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट इज़ एग्जेम्प्टेड टू दिस कैटेगरी, और ऑनलाइन टेस्ट होगा इस कैटेगरी के लिए, फिलिंग द ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस विल रिमेन सेम एज पर द अदर कैटेगरी, और जो है अदर कैटेगरी की तरह आपको फॉर्म फिल करना, ये जो कैटेगरी दी गई है ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। और इन एडिशन टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट अगेंस्ट ईच स्पोर्ट डिसिप्लिन 2
सुप्रीमेसी वैकेंसीज वन फॉर मैन हैव बीन क्रिएटेड फॉर द कैंडिडेट ऑल कैटेगरी, मतलब जो अच्छे प्लेयर हैं उनके लिए पर गेम टू वैकेंसी जो है फिक्स की गई हैं और उसी पे जो आपका एडमिशन होना। फिर बताया गया कि आपको प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, तो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो गए उनके लिए, और कैटेगरी टू क्या है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 10+2 है, आप पार्टिसिपेशन ओलंपिक गेम्स में, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले हो, एशियन गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो, कॉमनवेल्थ गेम में आपने पार्टिसिपेट किया हो, यूथ गेम में आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है कैटेगरी बी, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं शामिल होंगे, तो आपके पास ग्रेजुएशन हो, इसके बाद अगर आपने पार्टिसिपेशन इन मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कंपटीशन, इसके अलावा पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, या टू टाइम पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, या इसके अलावा जो है आपने दो बार रिकॉग्नाइज जूनियर यूथ नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया हो, या इंटर सर्विस इंटर रेलवे चैंपियनशिप या ऑल इंडिया पुलिस में आपने पार्टिसिपेट किया हो, इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम में भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी जो आपकी रहेगी नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट के लिए जो इन्होंने बताई है, यहाँ पे ग्रेजुएशन हो, इसके अलावा मेडल विनर इन नॉर्थ ईस्ट गेम्स, या टू टाइम पार्टिसिपेशन नॉर्थ ईस्ट गेम, या फुलफिलिंग द क्राइटेरिया इज मेंशनड इन कैटेगरी बी, जो कैटेगरी बी में बताया गया है अगर आपका ये क्राइटेरिया तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस बार एक चेंज हुआ है ग्रेजुएशन के बाद, पहले जो दो बार जो है आपसे पार्टिसिपेशन मांगा जाता था इंटर यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे इस बार सिर्फ एक ही बार बोला गया इंटर यूनिवर्सिटी, अगर आपने एक बार भी खेला है तो भी आप एलिजिबल हो, टू टाइम के लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट एज क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका, 21 से 35 इस बार एज कम कर दी, 1/8/2020 के अकॉर्डिंग आपकी एज देखी जाएगी, और अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर शैल भी इनके लिए रहेगी, अपर एज की छूट, आप इसको भी पढ़ सकते हो अगर इसमें आप आते हो तो। और यहाँ पे जो मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा वो इस बार चेंज यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपके 10 मार्क्स हैं, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के 20, वर्चुअल इंटरव्यू जो आपका 10 नंबर का, स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स थ्योरी आपकी होनी 25 नंबर की, और जनरल नॉलेज टेस्ट आपका होना 10 नंबर का, और लॉजिकल रीजनिंग कोचिंग एप्टीट्यूड जो आपका होना है वो 10 नंबर का, लैंग्वेज कम्युनिकेशन आपका 10 मार्क्स, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका 5 मार्क्स का। इसके ऊपर आपकी कट ऑफ बनेगी। इस बार जो आपके प्रैक्टिकल है स्पोर्ट्स का जो होता था पहले, वो जो है NSINS ने हटा दिया है, इस बार सबसे अलग ये किया इन्होंने। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स क्या रहेंगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है फिजिकल एजुकेशन में तो 3 मार्क्स, MPED और MBA आपने किया है तो 10 मार्क्स, और आपने PhD अगर कर रखी फिजिकल एजुकेशन में कर रखी तो 10 मार्क्स जो आपके ये यहाँ पे रहेंगे। और जो स्पोर्ट्स के जो अचीवमेंट के मार्क्स इन्होंने डिवाइड किए हैं वो आपके मेडल विनर इन सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, गोल्ड मेडल विनर इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स तो 20 मार्क्स, इसके अलावा सिल्वर मेडल विनर्स इन सीनियर एशियन चैंपियनशिप्स या मेडल विनर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप तो आपके 15 मार्क्स, इसके अलावा पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या मेडल विनर जो नेशनल गेम्स, मेडल विनर्स इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, पार्टिसिपेशन इन यूथ जूनियर इनमें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में आपने पार्टिसिपेट किया तो 10 नंबर आपको दिए जाएंगे, इसके अलावा पार्टिसिपेशन इन सेफ सार्क गेम्स तो आपने 5 नंबर, इसके अलावा मेडल विनर इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूनियर यूथ गेम्स या खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपने मेडल जीता तो 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। सिलेबस फॉर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, आपका क्या सिलेबस रहेगा उसके लिए बता दूँ, स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स थ्योरी में आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी, एब्रिविएशन टेक्नोलॉजी, रूल्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्ले फील्ड, कोर्ट, एरिना, इक्विपमेंट एंड कंपटीशन फॉर्मेट आपका रहेगा। और जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स, बेसिक स्पोर्ट्स अवेयरनेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, अवार्ड्स, रूरल स्पोर्ट्स इन कंट्री एंड स्पोर्ट्स प्रमोशनल स्कीम्स आपकी रहेंगी। लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड में आपका न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, सिक्वेंशियल डायग्रामेटिक रीजनिंग, पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, फॉल्ट फाइंडिंग, प्रॉब्लम सोल्व एंड एनालिटिक एप्टीट्यूड रहेगा। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट में आपकी ग्रामर रहेगी, कंप्रीहेंसिव सिनोनियम्स, एंटोनियम ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड इंग्लिश, और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका यहाँ पे जांचा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के ऊपर। इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे जो है लिया जाएगा, इसके कोई मार्क्स नहीं है फिर भी, लेकिन आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे लिया जाएगा। आपको 30 मीटर फ्लाइंग फॉर स्पीड के लिए आपकी जो नापी जाएगी, ये एक अलग चीज़ यहाँ पे NSINS ने की है, और यहाँ पे इसके लिए आपकी 4.80 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा 30 के से पहले, तो फीमेल के लिए यहाँ पे
5:40 का। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपका 1.6 मीटर रहेगा, मेल फीमेल, फीमेल के लिए 1.40 मीटर, शटल रन आपकी मेल के लिए 16.6 और फीमेल के लिए 17.50 सेकेंड। बेंच बैंड एंड रिच ये आपका 4 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए भी 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा 1600 मीटर रेस जो आपकी रहेगी वो रहेगी 7.5 मिनट में, आपको मेल के लिए समय रहेगा और 9 मिनट आपको दिए जाएंगे फीमेल को। तो ये रहेगा एज कैटेगरी, और ये अबो अगर 30 साल से ऊपर आपकी उम्र है तो आपको ये समय दिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द अटेंशन टू द कैंडिडेट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है अब की बार, इसके मार्क्स नहीं, पहले इसके मार्क्स होते थे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताए गए हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो, इसके अलावा तो मेनली बातें मैंने आपको बता दी हैं, सारी बातें जो हैं मेनली यहीं रहेंगी। और द कैंडिडेट बिफोर सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको चेक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप फुलफिल नहीं करते तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी विड्रॉन वंस, अगर आपने सबमिट कर दिया तो वह विड्रॉ नहीं हो सकता आपका फॉर्म। इसके अलावा रिक्वेस्ट फॉर चेंज एनी पर्टिकुलर शैल नॉट बी इंटरटेंड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, मतलब आपने जो फील कर दिया उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एडमिशन ऑफ ए कैंडिडेट टू द कोर्स इज प्रोविजनल, आपका एडमिशन जो प्रोविजनल रहेगा। इन केस ए कैंडिडेट इज फाउंड प्रोवाइडिंग इनकोरेक्ट इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिफाई इज प्रूव टू बी फॉल्स, सर्टिफिकेट फाउंड फेक, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट हो फेक नहीं होने चाहिए। नेम ऑन द फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड मस्ट बी मैच विद द नेम एज इन द सबमिटेड, if the name has been changed due to events such as marriage candidate must show the relevant document to the time of exam, agar aapke kisi certificate divorce degree legal name mein koi changement hai to uske liye aapko jo hai wahan pe jo hai jama karwana padega, jo bolte hain affidavit wagera wahan pe aapko jama karwana padega। और इसके अलावा इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू और ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर एनी एन एग्ज़ाम इज पर्टिकुलर शिफ्ट सब्जेक्ट में गेट बी रीशेड्यूल्ड, अगर किसी कारण एग्ज़ाम रीशेड्यूल भी हो सकता है अगर समस्या आ जाए तो। वर्चुअली इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड थ्रू वेबिनार, के द्वारा आपका इंटरव्यू जो है लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेस्ड NSNIS वेबसाइट, कैंडिडेट सेलेक्टेड प्रोविजनल हैविंग टू ब्रिंग विद द मेडिकल फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट टेस्ट इशूड बाई द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू दियर रिस्पेक्टिव नियर बाई एरिया, और आपको मेडिकल करवाना है। इसके बाद जो है कैंडिडेट हैव टू अंडरगो फिजिकल फिटनेस टेस्ट बिफोर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग द फिजिकल फिटनेस विल बी अलाउड ओनली ज्वाइन कोर्स, जो भी इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्लियर करेंगे वहीं जो है सेंटर को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होंगे डिप्लोमा में। तो ये एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है एडमिशन का आ गया है आप सभी के लिए, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो लास्ट डेट से पहले। मैंने आपको लास्ट डेट बता दी, फिर बता देता हूँ 9/7/2020 से पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, 10/6 से फॉर्म जो है शुरू हो जाएंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट थी आप सभी के लिए। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार की और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।